अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो सब। मैं हूँ कमाल शाही, आप लोग देखे टिक्स बैंक चैनल। आप सब लोगों को पता है कि डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट शॉर्टकट शेयर करता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। आज का जो हमारा शॉर्टकट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केमिस्ट्री का है। इससे बहुत सारे MCQs आते हैं टेस्ट में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को मेरे पिछले जो जितनी भी शॉर्टकट है पसंद आई होगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जो MCQs है वो ये कि वेज बालून डिप्लीट फर्स्ट। डिप्लीट का मतलब है एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब रन। मतलब आप लोगों को डिफरेंट बालून गिवन हो, चार बालून गिवन हो लेट सपोज, एक में हाइड्रोजन हो, दूसरे में हीलियम और तीसरे में नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन, और आपसे कहे कि अगर इसमें हम स्मॉल होल करें तो कौन सा वाला जो है पसली डिफ्लीट करेगा। तो आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करना है। इस तरह MCQ जब आता है तो फिर आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि अब हम कौन सा वाला ट्रिक यूज़ करें। आप लोग इस तरह करें कि सिंपल और सिंपल ट्रिक्स याद करें, शॉर्ट ट्रिक्स याद करें। जब आप फार्मूला ट्रिक्स याद करें तो इससे आप इजली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए ट्रिक ये है, शॉर्टकट ये है कि डिफ्लीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लाइटर गैस। इसका मतलब ये है कि जितना एक गैस का मॉलिक्यूलर मास कम हो, लाइटर हो, वो इजली डिप्लीट करेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है, आप लोग सिंपल सिंपल इसको याद करें। अब यहाँ पर देखें डायरेक्ट रिलेशन है डिप्लीशन और लाइटर गैस के बिटवीन। जितना लाइटर गैस होगा उतना डिप्लीट पसली होगा। अब आप सोचे कि लाइटर कैसे फाइंड आउट करें हम, तो आप लोग सैंपल और सैंपल मॉलिक्यूलर मास को देखें। H2 का मॉलिक्यूलर मास 2 है, इस तरह बाकियों का इससे ज़्यादा, हीलियम का भी 2 से ज़्यादा है, नाइट्रोजन का भी, ऑक्सीजन का भी। तो इसका मतलब ये कि इन चारों में सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कम मॉलिक्यूलर मास किसका है, H2 का 2 है। तो ये सबसे लाइटर गैस है तो ये जो है इजली डिफ्लीट करेगा। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोगों ने सिंपल और सिंपल ये ट्रिक यूज़ करना है। आप लोगों ने देखना है जो लाइटर हो सबसे इजली डिप्लीट होगा, जो है वो सबसे डिफिकल्टली डिप्लीट होगा। आप लोग ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं कि डिफ्लीशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हैवीएस्ट गैस। मतलब यहाँ पर जितना हैवीएस्ट गैस होगा उतना इजली डिप्लीट नहीं होगा। थैंक यू।